नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए आज संडे का दिन है और आज हम कुबेरेश्वर धाम में आए हुए हैं। बहुत तेज़ धूप है, इसके बाद भी जो लोग हैं उनका जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही। देखिए जिधर देखेंगे आप उधर आपको भीड़ भीड़ नज़र आ रही होगी, हर जगह आपको इंसान इंसान नज़र आ रहे हैं। ये सभी लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। देखिए चलिए, जैसे आपने अभी देखा कि सारे लोग अपने अपने काम में लगे, काम मतलब यहाँ पे भगवान की भजन करने ही आए, कहीं भजन चल रहे हैं तो कहीं पूजा पाठ चल रही है, कहीं अनुष्ठान चल रहे हैं, ऐसे सब दो सब काम चल रहे हैं। लेकिन मैं खास बात बताने के लिए आपको यहाँ पर आया हूँ। देखिए यहाँ पे पीछे कुबेरेश्वर धाम का जो विठल सेवा समिति का एक कार्यालय दिख रहा होगा, वहाँ पर आपने काफ़ी लोगों की भीड़ भी देख रहे होंगे। तो आप ये मत समझिए कि यहाँ पे रुद्राक्ष मिल रहा है, सामान्य तरह से रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है जिस प्रकार से कि गुरुजी ने बताया है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ रुद्राक्ष मिल रहा है। उस वो कौन लोग हैं जिनको रुद्राक्ष मिल रहा है वो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए रुद्राक्ष उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिनके पास किसी बीमारी का, जो बहुत खतरनाक बीमारी है किसी को, और उस बीमारी को वो रुद्राक्ष की जल से ठीक करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को ये रुद्राक्ष मिल रहा है। और उनके पास डॉक्टर की रिपोर्ट है जिसके अंदर कोई बड़ी भारी बीमारी है, उन्हीं रिपोर्ट को दिखाकर और साथ ही में आधार कार्ड दिखाकर ही रिपोर्ट जो रुद्राक्ष है वो मिल रहा है। बिना उसके रुद्राक्ष नहीं मिल रहा। अगर आप आधार कार्ड लेके आओगे तो रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे। साथ में आपको डॉक्टर का जो सर्टिफाइड रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट के आधार पर ही आपको रुद्राक्ष मिल पाएगा। तो जो भी लोग देश में कहीं पर भी रहते हैं और अगर वो रुद्राक्ष लेना चाहते हैं और साथ में उनको कोई बीमारी है तो उनके लिए ये विंडो खुली है और वो आके अपना रुद्राक्ष ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें दी गई जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।